अरविंद केजरीवाल की सियासत भगवंत मान सरकार के गले की हड्डी बन गई है, जिसे वो न निगल पा रही है और न ही उगल पा रही है। पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने दो बड़े वादे किए थे, एक तो 300 यूनिट फ्री बिजली और दूसरा पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का। बिजली की फ्री योजना तो चालू कर दी गई, लेकिन पुरानी पेंशन योजना अभी बाकी है। इसके लिए गुजरात चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट का फैसला तो करवा दिया, लेकिन उसका नोटिफिकेशन जारी करवाने में भगवंत मान सरकार के हाथ पांव फूलने लगे हैं। वजह, फंड की कमी। फ्री बिजली के चक्कर में पंजाब सरकार को करीब 23,000 करोड़ का फटका लगा है। अभी तो भगवंत मान इसी लंबे चौड़े बिल का भुगतान करने में जुटे हैं। माना जा रहा है कि ऐसा करने में वे सफल नहीं होंगे, इसलिए ओपीएस को लागू करना पंजाब सरकार के बूते के बाहर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार को बिजली सब्सिडी के रूप में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक चुकाने हैं, जो संभवतः चालू वित्त वर्ष के अंत में बढ़कर 23,000 करोड़ रुपए तक हो जाएगा। और इतनी बड़ी रकम चुकाने का दम कम से कम पंजाब जैसे राज्य के पास तो बिल्कुल नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों को भुगतान की गई कुल सब्सिडी 1997-1998 वित्तीय वर्ष में, जब राज्य में पहली बार फ्री बिजली की घोषणा हुई थी, तब 604 करोड़ 57 लाख रुपए थी। राज्य में पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर पटेल ने 1997 में कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली आपूर्ति की घोषणा की थी। तब से वित्तीय रूप से अस्थिर इस राज्य ने पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड को 1,18,000 करोड़ रुपए भुगतान अकेले बिजली सब्सिडी के रूप में किया। यह आंकड़ा बीते वित्तीय वर्ष तक का है। बीते 25 वर्षों में सब्सिडी का लाभ यहां के किसानों, अनुसूचित जाति समुदायों, उद्योग क्षेत्रों को हुआ। हालांकि सीएम भगवंत मान के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार के तहत ये स्थिति बिगड़ती दिख रही है, क्योंकि राज्य को बिजली कंपनी को विभिन्न श्रेणियों के लिए बिजली सब्सिडी के रूप में 22,962 करोड़ रुपए का भुगतान करना है, जो कि काफी बड़ी राशि है।